अस्सलाम वालेकुम, आज है मेरा व्लॉग नंबर 6 और मौसम चेक करें कराची का कितना खूबसूरत हुआ है। फिशेस की अपडेट दे देते हैं आपको कि ये फुली फिट एंड फाइन है। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा हम ये फिश बोल और 4 फिशेस लेके आए थे, तो भाई ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खुश हैं। अब बात की जाए तो हमारा प्लान बना शॉपिंग पे जाने का, तो मुझे लगा कि मुझे भूख लग सकती है तो मैंने स्नैक्स पकड़ लिए। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप रहा, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं शॉपिंग के, क्योंकि आपको पता है लोकल मार्केट में इतना सेफ नहीं लगता रिकॉर्ड करना, तो इसलिए सॉरी। तो अब जो है ना, मैंने वापसी में ये एक ड्रिंक ले लिया था, शेक ले लिया था, ये था भाई बनाना और चीकू का शेक, तो ये काफ़ी एनर्जाइजिंग हो गया था। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ चलें। तो भाई ये मैंने एक सूट लिया है कैजुअल सा, एक स्लीपर्स ली थी, और भाई एक मैंने ऐसी फॉर्मल टाइप की, सेमी फॉर्मल कह लें, दूसरी स्लीपर्स ली थी। तो अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। तो ड्रेस की बात की जाए तो भाई ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही लाइट सी इसकी टोन थी, स्काई ब्लू टाइप का कलर है इसका, और उसके ऊपर जो है ना ये गले पे एक बेल लगी हुई थी डार्क ग्रीनिश टोन की, और तीनों पे भी। तो ओवरऑल जो है ना मुझे काफ़ी पसंद आ गया था ये, तो मैंने कहा भाई इसको तो हम जो ना पक्का डन करते हैं। ट्राउज़र की बात की जाए तो ट्राउज़र भी सेम प्रिंट का था और खुले पैंचों का था थोड़ा, तो काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहा था मुझे, और घर में पहनने के लिए कैजुअल वेयर के लिए काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ये ले लिया। दूसरी तरफ मैंने ये स्लीपर्स ली जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसकी टोन वैसी तो नहीं आई कैमरे में जैसा ये ओरिजिनली है, कि ना बेज सी टोन है और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी ये, तो मैंने ये भी ले ली। और तीसरा मैंने जो है ना घर में पहनने की एक जो है ना स्लीपर्स ले ली, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे इस तरह की ना डेलिकेट सी। तो अब जो है ना रात में मैंने डिसाइड किया कि भाई कुछ मीठा केक टाइप का बनाते हैं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा। तो ये देखें कि मैंने इसके लिए फॉइल लगाया, उसके बाद मैंने इधर जो है इसमें बटर और बिस्किट का मिक्सचर लगाया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर चेरी और क्रीम की लेयर लगाई है, और फिर भाई चेरीज़ की लेयर आ गई, चॉप्ड चेरीज़ की, और उसके बाद एंड में मैंने इस पर लगा दी वापस से वही बिस्किट वाला बैटर। इसको मैंने फ्रीज़ किया और फिर उसके बाद फॉइल से निकाला, तो देखें कैसे केक जैसा टेक्स्चर आया और मज़ेदार बनाए। इसको आप ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब।